हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक गोरा। कृषि विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंजन की वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में। इंजन क्या है और इसके कंपोनेंट क्या है, ऑलरेडी ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूं, तो अगर आपको रेफ़र करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इस लेक्चर को रेफ़र कर सकते हैं। और स्क्रीन पर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप उस पर जा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इंजन कैसे काम करता है। ऑलरेडी इंजन का क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं, इंजन कितने तरह के होते हैं, टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। तो आज हम देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। आपने भी देखा होगा या नाम सुना होगा टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, और आपके मन में भी एक क्यूरियोसिटी रहती होगी कि ये इनकी वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन। तो अब हम देखेंगे फोर स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि इसमें चार स्ट्रोक होते हैं। तो ये चार स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है सक्शन स्ट्रोक, सेकंड है कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड है पावर स्ट्रोक, एंड फोर्थ एंड लास्ट स्ट्रोक इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये चारों इवेंट क्रैंक के दो रिवोल्यूशन में कंप्लीट होते हैं फोर स्ट्रोक इंजन में। अब वन बाय वन हम सभी स्ट्रोक्स में देखेंगे कि क्या होता है। तो सक्शन स्ट्रोक में जो पहला स्ट्रोक है उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है इनलेट वाल्व से। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक आता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है और एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है। इस समय दोनों वाल्व हमारे क्लोज रहेंगे। और थर्ड है पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक के समय स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करेगा और उस स्पार्क से एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा और बर्निंग से जो पावर मिलेगी उस पावर के कारण पिस्टन तेजी से नीचे की तरफ मूव करेगा। उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है, उस एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और जितनी भी बर्निंग गैसेस है वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाएगी और इस समय एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है। तो फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रीन पर फोर स्ट्रोक इंजन की फिगर दिख रही है। इसमें जो कंपोनेंट शो हो रहे हैं जैसे सिलेंडर, पिस्टन, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ये सभी आपको दिख रहे होंगे। तो अब मैं वन बाय वन जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो जो फर्स्ट स्ट्रोक है दैट इज़ सक्शन स्ट्रोक, इसमें पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है और इनलेट वाल्व ओपन होता है। जब इनलेट वाल्व ओपन होगा तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में आ जाएगा और पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये हुआ हमारा सक्शन स्ट्रोक। दूसरा आता है कंप्रेशन स्ट्रोक, इस समय याद रहे दोनों वाल्व हमारे क्लोज रहते हैं और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है और एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है। कंप्रेशन से एयर फ्यूल मिक्सचर में प्रेशर इंक्रीज होगा और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करेगा। स्पार्क जनरेशन से एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा, बर्न होते ही पिस्टन को फोर्सफुली नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये है हमारा पावर स्ट्रोक। और लास्ट स्ट्रोक में आप फिगर में दिख रहा है कि पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और जितनी भी बर्निंग गैसेस है वो सारी एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। तो ये तो थी हमारी फोर स्ट्रोक की वर्किंग मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता लग गया होगा कि फोर स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है। अब फोर स्ट्रोक इंजन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे बाइक का इंजन है, स्कूटर का इंजन है, कार का इंजन है, ट्रक का इंजन है, ये सभी इंजन हमारे पास आसपास जितने भी दिखते हैं ये सभी फोर स्ट्रोक इंजन है। अब इसके बाद आता है टू स्ट्रोक इंजन। अब पहले मैं बता दूँ कि टू स्ट्रोक इंजन आज की तारीख में लगभग एलिमिनेट हो गए हैं। टू स्ट्रोक इंजन इस समय अभी कोई यूज़ नहीं कर रहा है। पहले बजाज का जो स्कूटर आता था उसमें टू स्ट्रोक इंजन आता था। अब कैसे पता चलता है कि ये टू स्ट्रोक है या फोर स्ट्रोक है। आपने देखा होगा कि जब बजाज स्कूटर में हम पेट्रोल फिल करवाने जाते थे तो साथ में ऑयल भी डलवाते थे। वो ऑयल इसलिए डलवाते थे कि इंजन स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। तो इस तरह के जो इंजन थे वो टू स्ट्रोक इंजन थे। फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रीन पर टू स्ट्रोक इंजन का फिगर है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस इंजन में चारों स्ट्रोक क्रैंक के एक रिवोल्यूशन में कंप्लीट हो जाते हैं। पहले स्टेप में जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है
तो सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होता है, और दूसरे स्टेप में जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है तो पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। तो ये थी टू स्ट्रोक की वर्किंग मैकेनिज्म। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं और फोर स्ट्रोक इंजन में वाल्व्स होते हैं। यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक भी वाल्व्स नहीं है, वाल्व्स की जगह यहाँ पे हैं पोर्ट्स। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि टू स्ट्रोक इंजन में चारों स्ट्रोक क्रैंक के एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होते हैं, और फोर स्ट्रोक इंजन में चारों स्ट्रोक क्रैंक के दो रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों इंजन में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस वो है थर्मल एफिशिएंसी। टू स्ट्रोक में थर्मल एफिशिएंसी कम होती है एज कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन। और दूसरा डिफरेंस है कि टू स्ट्रोक में चारों स्ट्रोक क्रैंक के एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होते हैं, और फोर स्ट्रोक इंजन में चारों स्ट्रोक क्रैंक के दो रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक केस एयर टाइट होता है ताकि ऑयल और पेट्रोल लीक ना हो सके, और फोर स्ट्रोक इंजन में क्रैंक केस एयर टाइट नहीं होता है। टू स्ट्रोक इंजन में मोस्टली हमें हाई स्पीड मिलती है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में हमें डिजायर्ड स्पीड मिल सकती है। टू स्ट्रोक इंजन में गैस इजीली रिमूव नहीं होती है, फोर स्ट्रोक इंजन में गैस इजीली रिमूव हो जाती है, क्योंकि फोर स्ट्रोक इंजन में वाल्व्स होते हैं, इसी कारण इजीली गैस रिमूव हो जाती है। टू स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील का साइज बड़ा होता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील का साइज छोटा होता है। टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं और फोर स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स की जगह वाल्व्स होते हैं। फ्यूल कंजप्शन की अगर हम बात करते हैं तो टू स्ट्रोक इंजन में फ्यूल फुल्ली कंज्यूम्ड नहीं होता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में फ्यूल फुल्ली कंज्यूम्ड होता है। इसीलिए हमने देखा है कि फोर स्ट्रोक इंजन अच्छा एवरेज देते हैं कंपैरेटिवली टू स्ट्रोक इंजन। तो ये थे हमारे मेजर डिफरेंसेस बिटवीन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन। अब हम देखेंगे कि डीजल इंजन कैसे वर्क करता है। तो पहले तो मैं बता दूँ आपको कि पेट्रोल इंजन में हमने देखा था कि स्पार्क प्लग होता है, मगर डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह होता है फ्यूल इंजेक्टर, वो वहीं लगा होता है जहां स्पार्क प्लग लगा होता है। डीजल इंजन में सिर्फ एयर कंप्रेस्ड होती है, और कंप्रेशन के कारण एयर में इतनी हीट डेवलप हो जाती है कि जैसे ही इंजेक्टर से डीजल इंजेक्ट होता है ऑटोमेटिकली डीजल बर्न हो जाता है। बर्निंग के कारण फोर्सफुली पिस्टन नीचे आता है, और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है जिसमें सारी बर्निंग गैसेस बाहर निकल जाती है। तो अब स्क्रीन पर आप फिगर देख रहे हैं, इसमें डीजल इंजन दिखाया गया है। अब इसमें देखेंगे कि स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। फ्यूल इंजेक्टर का जो वर्क है, फ्यूल को इंजेक्ट करना है। जब एयर कंप्रेस होगी उसके एंड स्ट्रोक में ये फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, और एयर की हीट के कारण ये बर्न हो जाएगा। तो यही मेन डिफरेंस है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में। और डिफरेंसेस की अगर बात करें कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम देखेंगे कि डीजल इंजन में डीजल यूज़ होता है और पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज़ होता है। थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी अच्छी होती है, और पेट्रोल इंजन की कंपैरेटिवली थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन से लो होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो डीजल इंजन की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट डीजल इंजन की ज़्यादा होती है पेट्रोल इंजन के मुकाबले। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी कभी कार हम खरीदने जाते हैं तो डीजल इंजन की कार महंगी मिलती है और पेट्रोल इंजन की कार सस्ती मिलती है। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो 14:1 से 22:1 तक वेरी करता है, वहीं पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो 5:1 से 8:1 तक वेरी करता है। मेंटेनेंस की अगर बात करते हैं तो डीजल इंजन में मेंटेनेंस ज़्यादा आता है कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, क्योंकि डीजल इंजन में डीजल को इंजेक्ट करने के लिए एक अलग से पंप दिया होता है, तो इसी के कारण डीजल इंजन का मेंटेनेंस बढ़ जाता है, और इसीलिए डीजल इंजन की कार्स कॉस्टली भी होती है। तो ये थे हमारे मेजर डिफरेंसेस जो हमने देखे हैं डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया फोर स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन एंड डीजल इंजन की वर्किंग मैकेनिज्म, कि ये कैसे काम करता है, और इसको हमने आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका हम श्योरली रिप्लाई करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए।
थैंक यू।